प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सुपुत्र भाजपा के युवा नेता कार्तिकेय चौहान का महलुआ चौराहे पर हुआ आगमन। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान युवा नेता और स्थानीय विधायक के भतीजे पुत्र अंकित सफरे के नेतृत्व में कार्तिकेय चौहान का महलुआ चौराहे पर भव्य स्वागत, सत्कार और अभिनंदन किया गया। बताया गया कि भाजपा युवा नेता अंकित सप्रे के विशेष आग्रह और विशेष निवेदन पर कार्तिकेय चौहान का काफिला महलुआ चौराहे में कुछ समय के लिए रुका। यहां युवा नेता अंकित सप्रे के नेतृत्व में कुरवाई विधानसभा के सभी भाजपा मंडल के पदाधिकारियों, नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और युवाओं ने कार्तिकेय चौहान का जोरदार तरीके से स्वागत व अभिनंदन किया। इस संबंध में युवा नेता अंकित सप्रे ने बताया कि उन्हें खुशी है कि कार्तिकेय चौहान जी उपचुनाव मुंगावली युवा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में जाते समय सैकड़ों समर्थकों के साथ मेरे द्वारा आयोजित स्वागत के कार्यक्रम स्थल पर रुके। इतने व्यस्तता के समय से भी कार्तिकेय चौहान ने कुरवाई विधानसभा के कार्यकर्ताओं का स्वागत स्वीकार करते हुए अभिवादन किया। स्वागत सम्मान के बाद कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से संबंधित आवश्यक चर्चाएं भी कार्तिकेय चौहान से की गई, जिन्होंने उचित दिशा निर्देश भी दिए। विदिशा कुरवाई से आशीष सहले की रिपोर्ट। लेकिन यहाँ के आप युवा भी ये कह सकते हैं कि 15 महीने में जो कांग्रेस का काला काल रहा है, हमें दिग्विजय सिंह जी की सरकार को याद नहीं करना, हम तो कमलनाथ जी की सरकार को देखकर परेशान हो गए। आज उसी सरकार से लड़ने के, उसी कमलनाथ जी के झूठे वादों से लड़ने के लिए, उनके षड्यंत्र से लड़ने के लिए मुंगावली में जा रहा हूं, और जाते जाते मेलवा की जनता का आशीर्वाद भी लेते हुए जा रहा हूं। पूरा यकीन कि जिस युद्ध को हम लड़ने जा रहे हैं, जो धर्म और अधर्म के युद्ध को हम लड़ने जा रहे हैं, जो सत्य असत्य के युद्ध को हम लड़ने जा रहे हैं, मेलवा की जनता का जो आज आशीर्वाद मिला है, उसके साथ मुझे निश्चित ही यकीन है कि इस युद्ध को हम जीतेंगे और सत्य की स्थापना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाऊं, उसके सहयोग दूं। आप सबने जो सहयोग दिया, जो आशीर्वाद दिया, जो स्नेह दिया, जो प्रेम दिया, मैं फिर से कहता हूं, मैं सदैव उसके लिए आभारी रहूंगा। आज समय ज्यादा नहीं है, मेलुआ का मैं आदरणीय विधायक जी भी यहाँ पर उपस्थित थी, यहाँ पर एक अलग कार्यक्रम बनाकर मेलुआ की जनता के साथ हम अलग कार्यक्रम बना के मेलुआ की जनता के बीच में आएंगे। आज तो केवल मैं आपसे राय देना चाहूंगा, आगे कार्यक्रम है। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। मेलुआ जिले पिताजी को जिसका आशीर्वाद मिला, और आज वही मेलुआ के युवा साथी यहाँ पर एकत्रित हुए, हम सबने 13 साल की मामा की सरकार को देखा, लेकिन हमारा दुर्भाग्य ऐसा भी रहा कि हमने 15 महीने की कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार को भी देखी। आज हम सबको पता है, पहले तो सभी युवाओं से मैं यही कहना चाहता हूँ, षड्यंत्र रचकर, झूठ बोलकर, भ्रम फैलाकर, हिंसा फैलाकर, ये यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार बना चुकी है, अब इस महायज्ञ की पूर्ण आहुति चल रही है, उस आहुति में हम भी सहयोग करने जा रहे हैं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सत्ता बनाई, आज हमारे पास ये मौका है कि हम वापस उस व्यक्ति को वापस लेकर आए जिनने अपना खून पसीना, जिन्होंने अपना जीवन मध्य प्रदेश की जनता के नाम कर दिया। आइए युवा साथियों, पुनः अपने मामा को आशीर्वाद दें, अपने मामा का सहयोग करें, और पुनः मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री जी ने आपको चुनाव में उतारा है युवा के रूप में, तो आप युवा मुख्यमंत्री जी ने चुनाव युवा कार्ड खेल रहे हैं क्या? मुख्यमंत्री जी आपको चुनाव में उतार, मुझे मुख्यमंत्री जी ने नहीं, मुझे पार्टी ने जी ये जिम्मेदारी दी है कि जाकर एक कार्यकर्ता के नाते, कोई नेता के नाते नहीं, एक कार्यकर्ता के नाते मैं चुनाव में सहयोग करूं, और वही जिम्मेदारी निभाते हुए मैं चुनाव में जा रहा हूं। क्या महाराज सिंधिया और आपकी जोड़ी सफल हो पाएगी? देखिए, मैं मानता हूं कि हम दोनों आर्यमन और मैं दोनों कार्यकर्ता हैं, जोड़ी तो हम जैसे केवल हम दो नहीं हैं,
और भी कई कार्यकर्ता हैं जिनके साथ मुझे और आर्यमन को काम करना पड़ेगा। हाँ, आर्यमन अगर साथ रहेंगे तो काम और आसान होगा, लेकिन काम केवल हम दोनों नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी करेगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।